छोड़ू क्या को छोड़ू छोड़ दे बोल छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दूँ। हाँ ये क्या नाम है इनका? मुरुन्निसा को कब मारने का था? बोल जोर से बोल। अम्मास को मारने का था उसको। क्या करने का था? अम्मास को मारने का था। अम्मास को गला गला के मारने का था। हाँ और उसकी याददाश्त चल जा रही थी। हाँ। उसको ढकल दे रहा था मैं। हाँ हाँ क्यों ढकल रहा था? क्या नाम है इनका? मुरुन्निसा को कब मारने का था? बोल जोर से बोल। अम्मास को मारने का था उसको। क्या करने का था? अम्मास को मारने का था। अम्मास को गला गला के मारने का था। हाँ और उसकी याददाश्त चल जा रही थी। हाँ। उसको ढकल दे रहा था मैं। हाँ हाँ क्यों ढकल रहा था? चक्रा भी डाल रहा था मैं। क्यों डाल रहा था? उसका काना बंद कर दिया था मैंने। अच्छा। जब नहीं मरी वो। हाँ और क्या कर रहा था? उसके बच्चे ने लग जाए कि उसको दवा करने में डाल दिया था। हाँ। बच गई वो, मेरा हाथ से बच गई। अच्छा। मैं तो जब भी जा रही थी उसकी जान कब कितने आला अम्मास में कुंडम में? वो अम्मास को कुंडम आला हूँ। हाँ। उसको छोड़ने का नहीं था मुझे। फौरन मौका देके मारने का है। कौन थे भी अम्मास को डालने का था उसको। अच्छा ये बीमारी कौन कर रहा था उसकी? बीमारी कौन भरा शरीर में? मेरे दो महीने डाला था। दो महीने डाला। कौन ये बीमारी उसको कुछ कर रहा था क्या अंदर बैठ के? हाँ मैं डाला था। इतने बीमारी लगा दिया था? दे रहा था मैं। इतनी पस भर गया था उसके पूरा। इन्फेक्शन कर दिया था। ऐसा नहीं ऐसा मरना बोल के डाला था उसको। अच्छा उसकी किडनी से ऑपरेशन करके इन्फेक्शन बाहर निकाले फिर डबल से तूने करा इन्फेक्शन? हाँ? कभी कम नहीं करता। हाँ? नहीं करता तो मारने का बोल के मुझे पैसे नहीं दी थी उधार। हाँ? मैंने मंगाया था उसको। हाँ? उसका ना बहुत पैसा था। हाँ? बोल के तुम बर्बाद कर दिया पूरा पैसा रुक जान लेगा। बर्बाद कर दिया उसको। उसको मार देने का था मुझे। हाँ? उसकी शुगर भी कम नहीं कर रहा था मैं। और अच्छा जादू करते टाइम पे नूरजहां क्या नाम है? मुरुन्निसा का क्या लग गया था जादू करते टाइम पे? कपड़ा लग गया था उसका साड़ी का। कौन सा कलर की साड़ी थी वो? कौन सा कपड़ा था वो? पीले कलर की साड़ी थी। कितना टाइम हो रहा ली जाके? 8 साल 9 साल दे। अच्छा अब उसकी फाइनल मुद्दत की डेट चल रही मार देने की। उसको गला के मारने का। अच्छा उसके घर में लड़ाई झगड़े कौन लगा रहा? मैं लगा रहा था। क्या कर रहा था? और लड़ा रहा था मेरे साथ दो भी है। हाँ? दो जन और। अच्छा दो और तेरे साथ में मिले अली। अच्छा और इसके बच्चों को भी करा तूने कमाई धमाई से बुलाना बोल के? हाँ सब बर्बाद करने वाला था मैं। हाँ? घर भी गया। और क्या कर रहा था? जल्दी बोलो पूरा खत्म कर दो। किसको किस में नहीं रख रहा था उसको? हाँ? उसको सब जहल करके बना दिया था उसके दुश्मन। हाँ? बना दिया सबको। हाँ? अच्छा जकड़ लो उसको और तेजी के साथ में। बीमारी कोई नहीं आना बोल के मैंने सब कुछ कर दिया था। कुछ को ध्यान दे रहा था मैं। खिला और ये मिला था ये खिल्ला कौन डाले थे ये पूरी मिला के ये खिला रो
कौन लाए थे खिल्ला और क्या था ये पूरी के अंदर? इसे घर में क्या मिला था ये? वो नहीं मालूम मेरे को। तू डाला था? नहीं डाला मैंने। भाभी करूंगी। मैंने नहीं डाला वो। अच्छा वो भावच कर रही थी क्या इनकी छोकरे की? इनकी बहू कर रही थी क्या? उसकी माँ, उसकी माँ कर रही थी। भाऊ की? उसका बाप भी था। अच्छा भाऊ की? क्या बोल के कर रही थी उन्हें? मेरे बेटी का सुनना, मेरे बेटी ने जैसा बोली वैसा करना। अच्छा दवाया भी खिलाई सबको? खिलाई शक्कर में डाल के कुछ तो भी था मेरे पास। अच्छा। मैंने डाला था। अच्छा बहुत जादुआ कर रहा हूँ लोगों पे साले, तोड़ दूं तेरे हाथा जला ग्राफ करा दो। नहीं जला इसको तेज के साथ में जकड़ो उसको। अल्लाह चल तोबा कर जल्दी, दोनों हाथा मुंह को मार के तोबा कर, जल्दी तोबा कर। उसको बर्बाद करने का था। अब कैसा करता तू बर्बाद? अब देखा तेरा बाप कैसा बैठिया था, बापों का बाप तेरा तो बड़ा जादू कर रहा है। तीर कुमीर भी रखा अल्लाह ने, कमीन हो तुम्हारे बाप का राज चल रहा क्या दुनिया में समान मानिया करने को? चल अब जा, और दूसरी चक्कर में मैं तेरे से पूरा नाम पूछूंगा सबके, अभी नाम नहीं पूछा मैंने। चल अब निकल जल्दी से, तोबा तोबा कर जल्दी मुंह पे आता मार के। नहीं करता, भी नहीं करता उसको, ले गए सी वाले नहीं करता। तोबा ऐसा ले लो यार, ले लो ले लो ले लो बैठ के, तोबा कर जल्दी, तोबा कर, तोबा कर जल्दी, अंडा के बोल तोबा। तोबा नहीं कर रहा, साथ में ले जाने के बाद तोबा करता, बोलो बहुत चल रहा तेरे, तोबा कर दौड़ दे। हम कमीने साले तोबा नहीं करते, आपने इसको बर्बाद करके छोड़ा था, आप छोड़ देता उसको नहीं छोड़ता। अभी तक कितने लोगों घर जलाया? नहीं खाली उसका घर। कितने लोगों को बर्बाद करा? 8 जनों को बर्बाद करा। कौन कौन है? मुसलमानों के भी सुकून से नहीं रखा, उसकी बेटियों के भी बर्बाद ही नहीं कर दे रहा। क्या करा? उनके ससुराल में अंगार डाल दे रहा। अरे रे हरामी, तुमने नामकुल बकबक। मेरे को सुनने नहीं थी उन्हें, उन्होंने मुझे पैसे नहीं दी थी उधार। क्या करी थी? पैसे उधार नहीं दी थी, उसके बहुत पैसा था, चिड़के कर दिया उसके साथ में सब कार बार था। वो सब मैं अभी नहीं पूछा, वो मैं सब बाद में पूछूंगा, तफसील में तू क्यों करा था क्या बात पानी। अभी तुझे पूछ रहे तूने क्या क्या परेशान करा मैंने, उसमें सारी ताकत नहीं लगा मैंने, पैसे दवाखाने में बर्बाद कर दिया उसको। महाराज की उसके लड़ाई भी लगा रहा था क्या? बहुत लगाया, बहुत परेशान कर दिया उसको, भीख मांग के खा रहे हो साले को, ब्याज से पैसा लाई उन्होंने जाके, उन्होंने टिकट भाड़े को भी नहीं रखा उनको आने को, कुछ भी नहीं रखा उसका। वाह रे वाह, देखो जला के पूरा काट के तेरे टुकड़े, देखो मिर्ची नमक भर के टांग दिए बाहर, नहीं रखा मैंने उसको, कुछ खाने को भी नहीं रखा। वाह रे, ऑपरेशन होने के बाद डबल से उसकी किडनी में पल्स भरने लगा तूने? डबल से भर रहा था, इसके अंदर का सारा पल्स निकाल के बाहर फेंको, उल्टियों में जुलाब में जैसा बाहर फेंकना है, और सारी तंत्र मंत्र क्रिया को मार के खत्म करो। इधर से ठहर एक जना, पीछे जा कैमरा। हाँ चलो उसको तेज सामने रखो, मार मार के खत्म करो कमीने को, उसकी जरी तंत्र मंत्र क्रिया चलना नहीं, लोगों को जुलूम दे रहा। अल्लाहुम्म फअब सलवाति जला उसको मार मार के सारे तंत्र मंत्र को कायद करके ले लो और उसके तंत्र मंत्र को कायद करके मेरे पास में लाओ, इसको मैं बाटल में डाल के जमीन में गाड़ दूंगा, समंदर में लिया गाड़ दो उसको। कौन से भी जात का है तू, तो क्या लोगों को जुलूम देता करे वैसा? हाँ नामखून बदबख्त, चल निकल अब, दूसरी चक्कर में सब तफसील मिलूंगा मैं, चल निकल। पानी लाओ रे छपरे, हाँ इधर डालो यहाँ पे जल्दी।
ये जो मसला है ये क्या बयान कर दिए शय जो भी आई सामने, तो ये शय का ऐसा कहना है कि ये इस शख्स की जो भी है लेडीज इनके अंदर उसको डाले वाला है, खुद ब खुद नहीं आया वो किसी ने, वो कुछ उनका माजरा था, वो मैं आगे तफसील में पूछूंगा सब बातें, कौन डाला, क्यों डाला, कहां से आ, अगर मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा। और दूसरी बात, एक बात याद रखना कि ये जो हरकतें कर रहे तो सबको सजा मिलेंगी, करने वाले को, कराने वालों को, सबको मार पड़ती है, कुदरत का निजाम है। दूसरों के लिए खड्डा खोदने वाले, तुम्हारा को तो खड्डे में जाना ही पड़ेगा, फर्ज है तुम्हारा को तो फिर खड्डे में डालना, क्योंकि तुम दूसरों के लिए खड्डे खोद रहे, ये गलत है ना ऐसा। और दूसरी बात कि कुछ उधारी मांगा था नहीं दिए, वो चिड़के जल के जादू कर दिया, और वो पेशेंट को तकलीफ ये हो रही थी, कितने बार हाजिर हुआ? पहली बार। जोर से बोलो, पहली बार यहाँ लाए तो। हाँ। इससे पहले क्या तकलीफ होती थी उनको? इससे पहले परसों के दिन उनकी याददाश्त चली गई थी। हाँ। तू कौन है? हाँ। मैं यहाँ कैसे गया, किसका घर है, ऐसा बात कर। और उनकी किडनी का क्या मैटर चल रहा था? वो किडनी में उनके इससे पहले समझो 3 महीने पहले पल्स भरा था। हाँ। तो उसका ऑपरेशन समझो 2 बार करे अभी तक। हाँ। और अभी और समझो इंफेक्शन उनका बढ़ रहा, पल्स जैसा वैसा हो फिर भर गया। ये जो है तो अंदर उनके किडनी में पल्स भरा रहा था, इससे पहले किडनी में पल्स बोले तो कुछ पीप वगैरह कुछ भर गया था, ऑपरेशन करके निकाले वो, तो निकालने के बाद फिर और डबल से भर दिया। कौन भरा, क्यों भरा जा रहा है, इनको समझ रहे बीमारी है, यहाँ सामने आने के बाद हाजिर होगा। और इससे पहले उनके घर पे उन्होंने कुछ उनकी याददाश्त भी खत्म कर दिया था, फिर ने यादाश्त ये सब खेल उन्हें कर रहा था, ढकल के भी दिया, गिराया भी, ये सब बातें उन्होंने भी बोला है जो हाजिर हुई थी। ये कौन हाजिर हुआ था? ये उसकी तंत्र मंत्र की क्रिया हाजिर हुई थी जो जादू कर रहा था, डायरेक्ट जो जादूगर है, क्योंकि यहाँ का जो मामला है तुम्हारे पर जिन्नात है, तुम्हारे पर शैतान है, तुम्हारे पर जादू है, जो भी है उसको यहाँ सामने आना पड़ता, अल्लाह के हुक्म से आके सवाल जवाब करना पड़ता। ये कितनी बार में हाजिर करा मैंने? पहली बार मुझे हाजिर हुआ। तो ये सबका ऐसा रहता, किसी का पहली बार में, किसी का दूसरी बार में, किसी का तीसरी बार में, मुझे जब करना है अल्लाह के हुक्म से यहाँ खुद ब खुद क्या बोलते, तो तुम्हारा खुलासा होना ही हुआ है, मगर लड़ने की नीयत नहीं रखना। और दूसरी बात कि जो लोगों के बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे, जो लोगों के घरों के बंदिशा हैं, जो वैसे जो इलाज रहते वो इलाज पर्दे के पीछे करते, यानी कि वो इलाज को डायरेक्ट लाइव में नहीं लाते। लोगों तुम्हारे सवाल थे बहुत सारे जो तुम उससे सवाल कर रहे थे, क्या तुम हमारे बंदिश के इलाज नेट में बता देंगे, क्या हमारे बच्ची का रिश्ता नहीं जम रहा, बच्चे का नहीं जम रहा जमा देंगे, क्या बच्चे फेल हो रहे उनको एग्जाम में कुछ पढ़ के देके पास करा देंगे, जो भी एक्स वाई जेड तुम्हारी तकलीफें दूर करेंगे, तो क्या वो नेट पे डालेंगे? नहीं डालते। वैसा कैसा डालेंगे, किसकी भी प्राइवेसी डायरेक्ट नेट पे नहीं डालते, सिर्फ शैतान से जो सवाल जवाब होता वो नेट पे डालते। किसी का घर बसा रहे, किसी का तलाक रुका रहे होने से पहले अमल करके, तो वो चीजें तो फिर तलाक तो ऑलरेडी हो जाएगा, फिर ऐसी चीजें नेट पे डालेंगे तो मियां बीवी को, वो नहीं डालते, वो रुका देते, वो सब बंद मुट्ठी के रास के अमल रहते, वो बंद मुट्ठी में करते, तुम्हारी प्राइवेसी तुम्हारा छुपा के करके पर्दे के पीछे राज रहता, किसी के सामने नहीं आते। और सिर्फ यही इलाज जो रहता शैतान भूत का सवाल जवाब तुम अगर बोले तो वो सामने ला के करा के वो नेट पे जाता, वो अलग है और तुम्हारे वो इलाज अलग है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये तुमको इसलिए बोल रहा मैं कि यहाँ के रूल्स समझा रहा हूँ, और यहाँ के रूल्स ये है कि अकेले पेशेंट को अलाउ नहीं करते, साथ में माँ भाई बाप बेटा कोई भी आना, और फॉर्म भरने के लिए 2 फोटो आधार कार्ड की जेरोक्स लाना, तुम्हारा फॉर्म भर के तुमको अंदर लेते ऑफिशियली तरीके से, क्योंकि तुम आपको अनएजुकेटेड चाहे कानून कायदे के खिलाफ नहीं, हम कानून कायदे के अंतर्गत कानून कायदे के अंदर रह के ये सब तुम्हारे से लिख के लेके सही तरीके से प्रोसेस होके फिर तुम्हारा इलाज होता। बहुत सारे बात है, बहुत सारे राज है, और दूसरी बात यहाँ के जो रूल्स है वो तुमको फॉलो करना पड़ेगा। अकेला चाहे औरत रह दो, अकेली चाहे आदमी रह दो या औरत रह दो, कोई अंदर नहीं आ सकता। इसलिए नहीं आ सकता, उसके आंग में आगा वो घिर रहा उठेगा, कौन उसको पकड़ेगा, कौन उसको गैर मुहर्रम दूसरा आदमी पकड़ेगा, क्या दूसरी कोई औरत पकड़ेगी? नहीं। इसलिए अपने घर का 2 जनों लाना कंपलसरी रहता, एक के साथ एक आना कंपलसरी है, समझ गए? जैसा बाय 1 गेट 1 फ्री जैसा रहता ना, वैसा आया एक तो फिर एक साथ में आना ही पड़ता, क्योंकि उन्हें गिरा लोटा उसके आंग में आया, कौन पकड़ेगा उसको? तो बहुत सारे बातें हैं वो, खैर। और दूसरी बात ये है कि ये तंत्र मंत्र ये जादू टोनों से ये वबाओं से अल्लाह सब मुसलमानों की मोमिन बंदों की सबकी हिफाजत करे। और मैं यही बोलता तुमको इबादत की राह क्यों मैं बताता बार बार मजबूती से थामो, नहीं तो ये जिसके घरों में घुस जाते उनसे पूछो उनको कितना परेशान करते हैं, हमको हरा हरा लगता छऊं ठंडी छऊं में बैठ के, ये जादू रहता क्या, जाओ जादू करो हम मानते क्या, ऐसे गंदे अमल रहते क्या, तिलस्मात की दुनिया रहती क्या, हम तिलस्मात को भी नहीं मानते, हम अमल अमलियात को भी नहीं मानते, हम सिफली अमल को भी नहीं मानते, हम काले जादू को भी नहीं मानते। अबे अकल के अंधे ना लायक ना मखूल बदबख्त, तुझे अकल नहीं, कुरान के अंदर अल्लाह ने फरमा दिया ना जादू है, तो फिर तू कौन है नहीं मानने वाला? हाँ, हर चीज अल्लाह के हुक्म से पैदा हुई, हर चीज अल्लाह के हुक्म से चलती, जादू की भी कोई मिसाल नहीं थी जादू जो है तो। और तुम लोग बोलते ना तुम्हारा बदअकीदा,
अबे तुम्हारा कैसा अकीदा होगा रे डाला हो, तुमको कैसा यहूदियों ने उल्लू बना दिए, बोल रहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू चल रहा था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माजल्ला याददाश्त चले जा रही थी जादू से, माजल्ला अल्लाह माफ करे वो जबान को हलाक कर दे जिसने, वो कमबख्त को अजाब में घेर ले जिसने से ये फैलाया ये रिवायत, वो झूठी रिवायत है। अबे अल्लाह के नबी पे जादू चलना जादू की हैसियत और औकात नहीं थी, वो तुमको बताने के लिए अल्लाह ने बताया था खाली चलाकर, जो भी कि तुम मानना आगे फ्यूचर में, बाकी कोई जादू की, कोई शैतान की, कोई अमल अमलियात की औकात नहीं। नबी की तो बात बहुत दूर है, नबी के गुलामों के गुलामों के गुलामों के करोड़ों गुलामों के गुलामों की जूती की धूल नहीं है, तो उनके सामने शैतान जिन्नात और जादू थर थर कांपता तो नबी का आलम क्या होगा, तुम सोच भी नहीं सकते। सराफा अल्लाह का नूर था और अल्लाह के नूर पे क्या कोई जादू चला सकता क्या अकल के अंदर बेवकूफ, वो तुम्हारा दुनिया को दिखाने के वास्ते दिखावे के लिए था वो, कि देखो मानो ये बात कि उन पे चली तो तुम पे भी चलेंगी, चल गई ऐसा हो गए याददाश्त चली गई, कहां से लाए इस झूठे सच्चे रिवायत, बहुत सारे बातें क्या बोलूंगा तुम्हारा, ये तुम्हारा गुमराह करने के लिए तुम्हारा बहुत कुछ, तुम्हारा नबी की शान क्या है तुमको मैं क्या बयान करूं। वो बोलते ना उन्होंने सही बोला, वो सारी समंदर की स्याही को रोशनी बना दूं और दुनिया के पूरे कलमों को क्या बोलते थे लिखने का पेन बना दूं तो भी मैं उनकी शान का एक नुक्ता नहीं लिख सकता, ये नुक्ता नहीं उनके नाम में तो नुक्ता चीनी, उनकी शान में एक मीम नहीं लिख सकता उनके नाम की स्टोरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, नुक्ता चीनी कराई नहीं अल्लाह ने नबी के नाम में, नुक्ता ही नहीं लगाया, देख लो मीम है मीम दाल नुक्ता ही नहीं है, तुम लगा ही नहीं सकते नुक्ता, तुम कर ही नहीं सकते इंडिकेट और तुम बोल ही नहीं सकते ऐसी बात वैसी है, उनके तो सदके में अल्लाह ने दुनिया बनाया, बार बार कुरान में फरमाया तुम्हारे कैसे अकीदे हो गए रे जमात, कौन कौन से जमात आले के आगे बैठ रहे मार्केट में नालायकों यहूदियों के गुलाम हो। कल देख रहा था मैं एक का वीडियो नस्ली हराम हो पाकिस्तान का, उसका नाम तो नहीं लूंगा मैं, बड़ा बन के बैठा और ऊपर से मुफ्ती बन के बैठ के कुरान बोल रहा कि वो कुरान पढ़ना हराम है, बोल के फतवे दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ मैं ऊपर से मुफ्ती हूँ और मेरा नाम ये है खुच्चा और टकला, छोटा सा अमामा बनता है बकरा दाढ़ी है उसको बकरे के जैसी, उसका अमामा खोलो टकला है इसे पहचान लो कौन है तो, और बोल रहा कि कुरान बोले मरने वाले को पढ़ के बख्शना हराम है। अबे अबे अकल के अंधे, कुरान कैसा पढ़ना हराम होगी, बैठ के पढ़ मस्जिद के बाहर बैठ के पढ़ घर में बैठ के पढ़ पाकिस्तान की हालत में तो पढ़ तो जायज है, हर जगह पढ़ना जायज है कुरान, तो देखो वो कैसी हराम हो सकती, कुरान पढ़ना हराम हो सकती क्या, उल्टे हरूफ पढ़ रहे, उल्टे हरूफ पढ़ना हराम रहेंगे, उल्टे हरूफ पढ़ने वाला गुनहगार रहेगा, ऐसा तो नहीं पढ़ रहे, कैसी फितने डाल रहे, कैसे फसादात तुम इसमें फैलाने की कोशिश कर रहे दीन के अंदर, बिगाड़ तुम्हारी नस्लों को अल्लाह गर्क और हलाक कर देगा, और सही तरीके से दीन की तालीम दो लोगों को, हदीस और कुरान की तरफ रुजू कराओ, बताओ कि हदीस और कुरान से कैसे कैसे इनामात रखा अल्लाह ने, वो इनामात से लुत्फानंदाज होने दो, शैतान आ सकता लोगों को परेशान कर सकता, जादू टोने वाली बदरू आ सकती लोगों के आंग में परेशान कर सकती, अक्ल है जब शैतान और जादू टोना परेशान कर सकता तो अल्लाह वालों की रूह आके तुम्हारे कैसे नहीं बचा सकती, बुजुर्गान दीन तुम्हारी मदद कैसे नहीं कर सकते, शैतान आके तुम्हारे परेशान कर रहा, शैतानी वसवसे वाले आ रहे, बदरूहे आ रहे, जिन्नात आ रहे तुम्हारे में, फिर वो पाक रूहे क्यों नहीं आ सकती, गलीज रूहे जवारी तो उनको तो बहुत ही इख्तियार है, वो तो अल्लाह के वलिया है, अल्लाह ने पहले फरमाया। बहुत कुछ बातें बोलने के लिए मैं तुम्हारा कुछ इतना बोलूंगा उतना कम है, खैर अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बाकी ये बात याद रखना, लाख तू सजदे कर ले, लाख तू रोजे लग रख ले, तू कुछ भी कर ले, अगर तू यजीदी के सफों में जाके शुमार हो जाएगा तो तेरा यजीद के साथ जब हिसाब होगा, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो क्या यजीद उन्होंने भी तो कुरान पढ़े थे, उन्होंने भी नमाजा पढ़े, उन्होंने भी खारिया थे, उन्होंने भी हदीसा पढ़ने वाले थे, फिर क्यों जहन्नुम के हकदार बन जाने वाले आखिरत में, देखो ना उन सब क्या फैसला होने वाला, तुम्हारे आंखों के सामने रहेगा आखिरत में जब उन पर फैसला दिया जाएगा, तो सब देखेंगे उसका इबरतनाक वाकया। और इमाम हसन हुसैन की क्या शान रखा अल्लाह ने आज भी दुनिया के अंदर, वो भी तुम देख लो जन्नत के सरदार पहले ही करार दिया है ना उनको, उनको चाह के भी कोई बोल नहीं सकता जहन्नुम के, जो बोल दिया तो वही खुद जहन्नुम का हकदार है, क्योंकि वो जन्नत के नौजवानों के सरदार है, वो सैयदा है वो, और उनकी क्या मैं बयान करूं शान, देखो उनके औलादों से आज भी दुनिया में कैसा फैज जारी कराता पूरे दुनिया को अल्लाह, तुम्हारा मैं बयान नहीं कर सकता, बहुत कुछ है कहने सुनने से ज्यादा, अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सही तरीके से कुरान पढ़ो, सही तरीके से अमल करो, सही तरीके से हदीस पढ़ो, सही तरीके से उस पर अमल करो, बस इससे ज्यादा क्या बोलूं मैं। कहां से आए थे बसमत, दूसरे चक्कर में नाम वाम पूछेंगे क्या था कौन था पूरा कुकुल का मसला, ठीक है 8 साल पुराना जाता है, हाँ वो हो जाएंगे ना खत्म, अभी देखे ना कौन दर्द कर रहा था, तो पकड़े ना उसको, जब पकड़े थे तो लोग चीखा मार के दर्द ही चूठा था ना, पहले दर्द उठने के बाद आया सामने। शिर्क ये करना, शिर्क वो, शिर्क के मायने तो समझाओ, शिर्क क्या रहता, शिर्क किसको बोलते, जन्नत की गर्ज से इबादत करने को शिर्क बोलते हैं, बताऊं क्या तुम आगे बैठ के,
बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े मुफ्तिया खारिया बने, तुम तुम्हारा शर्म नहीं आ रही? दीन में बिगाड़ पैदा करने के वास्ते, दीन में फितने डालने के वास्ते, फसादत डालने के वास्ते कमबख्तो, वो सोने के सिक्के, वो चांदी के सिक्के तेरे खबर में काम नहीं आने वाले। तेरे खबर में तेरे नेक आमाल और दीन के अंदर तूने कितनी अल्लाह के नाम पर ओरिजिनल तबलीग करा, वो तेरे काम आने वाली। वो तबलीग नहीं, वो अपने आप को धोखा देने को, चलो 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 साथी साथी को साथी उल्लू बना रहे, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को दीन की अगर दावत दिया तो उसको इस्लाह बोलते, उसको तबलीग नहीं बोलते। अल्लाह कुरान में फरमाता, किसको धोखा दे रहे तुम? अल्लाह को जो धोखा देने का सोचता वो खुद धोखे में है, तो तुम अल्लाह को धोखा दे रहे तो तुम खुद धोखे में। तबलीग कर रहे बोलते अपने आप को इस्लाह करके एक दूसरे के ऊपर। हकीकतन मानू में अगर तुम तबलीग करते थे 70 साल में तो आज तारीख हिंदुस्तान कुछ और रहती थी। बहुत सारे बात है, तुम अब क्या बयान करूं, अकल के अंधो बेवकूफों, और ऊपर से फितने डालते, बिगाड़ा पैदा करते, और बहुत सारे लोग ओवर भी करते। वो भी देखा मैंने कि दरगाहों पे जा रहे तो बहुत शरीयत से हटके, शरीयत के हिसाब से जाओ, शरीयत तुम कैसी इजाजत देती है वहां जाने की, उस तरीके से जाओ। तुम तरीकत, मारिफत और शरीयत, तीनों बातों को एक साथ नहीं मिला सकते। शरीयत पे जो चलने वाली आम जनता, तरीकत और मारिफत पे चलने वाले जो लोग रहते वो उनकी अलग मामलात रहते, उनके डायरेक्ट अल्लाह से जुड़े आले रहते। कुरान के अंदर बताया इल्मे मूसा, इल्मे खिज्र, इल्मे आसिफ बिन बरखिया, इल्मे सुलेमान बिन दाऊद, कैसे इल्म थे, सब अलग अलग है ना। तो कौन से इल्म थे? इल्मे आसिफ बिन बरखिया कौन सा इल्म था? इल्मे खिज्र अलैहिस्सलाम के पास। ये सब बहुत सारे राज है, तुम्हारा जितना बताएंगे उतनी गहराई में तुम जाएंगे। तो इसलिए खुद के दिमाग से वो करो, तुम स्टडीज करो। ये दौर ऐसा अनएजुकेटेड का दौर नहीं रहा, ये अनपढ़ का दौर नहीं रहा। इतनी टेक्नोलॉजी हाई हो गई कि पूरी दुनिया को तुम्हारे जेब में लाके डाल दिए, इतनी दुनिया करीब आ गई, तुम खाली बोलो तो हाजिर हो जाएगा। तुम्हारा जो दिमाग है ना, वो दिमाग के जैसा मोबाइल बन गया तुम्हारा, ऐसा कि तुम जो सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे अच्छा हाजिर, बुरा सोचेंगे बुरा हाजिर। अच्छा सोचो, उससे फायदा उठाओ, दीन हदीस कुरान याद करो, समझो, समझ के पढ़ो। जो समझ के पढ़ा उसमें से फिर बहुत कुछ पढ़ लिया कुरान को, जो नहीं समझ सका वो खाली ट्रांसलेट को समझ रहा और क्या बोलते तो आयात को समझ रहा, तो बहुत कुछ नहीं समझा। बहुत राज है कुरान के अंदर, तुम समझेंगे तो बहुत कुछ है उसके अंदर। ना समझ को तो फिर मिट्ठू बेटे पप्पी दे, मिट्ठू बेटे पप्पी दे बोलता मिट्ठू, ना मखूल मिट्ठू हो उसको ये नहीं मालूम खुद कुछ बोल रहा हो, तो वैसे हो गए तुम। खाली जबान से तो हल्लक तक हाफिज कुरान रटता, तो जबान से तो हल्लक तक आलिम कुरान पढ़ता तो दिमाग से पढ़ता, और अल्लाह का वली कुरान पढ़ता तो दिल से पढ़ता। जब तो फिर अल्लाह ने फरमाया ना कि मेरे वलियों को बुरा मत बोलो, बुरा मत बोलो, बुरा बोझ भी तभी सोचेंगे उनके वास्ते, दिल में तिल बराबर भी बोझ रखे तो तुम्हारी नस्लों को हलाक कर दूंगा, सबको गारत कर दूंगा, जंग का ऐलान करता हूँ। खुलेआम अल्लाह फरमा रहा ना, मैं थोड़ी फरमा रहा हूँ, तुम्हारा रब फरमा रहा, रब्बुल आलमीन फरमा रहा, रब्ब काबा फरमा रहा। बता दिया ना उन्होंने क्या क्या नमरूद शद्दाद हामान फिरौन, दुनिया पे हुकूमत चलती थी उनकी, कैसा जेर करके बताया उनको, जलील करके मौत दिया। तो किसी की हुकूमत नहीं टिकने वाली, हुकूमत सिर्फ मेरे अल्लाह की, अल्लाह की, अल्लाह की। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हुकूमत मेरे अल्लाह की, मेरे अल्लाह की, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदके तो पहले में कायनातों को बनाया उसने सारे जितने भी, तो समझो। अनमानी मत करो, जो ना मांगे सीख वो दर दर मांगे भी, रोक दो।